बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे मसूर की दाल, मसूर की काली दाल जिसे हम पंजाबी में मसरों की दाल बोलते हैं। एक वो येलो वाली होती है छिलके के बगैर, और एक ही है मसरों की होती है, साबत मसर इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये झटपट 10 मिनट में बनने वाली दाल है, तो मेरी बड़ी बेटी बड़े शौक से खाती है, तो उसकी आज फरमाइश थी कि मामा दाल बना लें, तो साथ में व्हाइट चावल हो जाए, सैलड हो जाए, तो वो खुश होकर खा लेती है। ठीक है, तो मैंने 1/2 kg मसरों की दाल ली है, इसको अच्छी तरह से धो लिया था, मैंने थोड़ी देर पहले भी धो लिया था, भिगोने की जरूरत नहीं। अगर आप ऐसे ही बना रहे हैं तो बस एक काम कीजिएगा, इनको अच्छी तरह से छान लीजिए, मतलब अच्छी तरह से उसको साफ कर लीजिएगा। इसमें थोड़े से वो मिट्टी के जरे वगैरह होते हैं, कुछ उसमें थोड़ा सा गंद होता है, तो वो निकाल के साफ करके इसको धो के रख लें। ठीक है, मैं इसको प्रेशर में डाल रही हूँ। अगर आप प्रेशर में नहीं बनाना चाहते तो आप इसको, ये देखिए मैंने प्रेशर में डाल ली, अगर आप इसको प्रेशर में नहीं डाल, 1/2 kg है ये, मैंने 1/2 kg ली हुई है। ठीक है, अगर आप इसको प्रेशर में नहीं बनाना चाहते, कुछ लेडीज़ जो हैं वो प्रेशर को अवॉइड करती हैं, वो डरती हैं प्रेशर से कि इसकी हवा निकलेगी, या कुछ घरों में प्रेशर यूज़ नहीं होता, हम लोग करते हैं यूज़ इसको। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो यही रेसिपी सेम है देचकी में डाल के, तो आप 45 मिनट्स के लिए इसको रख सकते हैं हल्की आँच पर, तो ये गल जाएगी। ये प्रेशर में तो 10 मिनट में ये पक जाएगी, 10 मिनट का टाइम देंगे हम इसको, 10 मिनट में ये पक जाएगी। ठीक है, ये मैंने 1/2 kg दाल इसमें डाली है, और उसके बाद मैंने लहसुन लिया है, इसमें सिर्फ अभी लहसुन जाएगा इसके साथ, और लहसुन की मैंने 2 डलियां ली थी बड़ी वाली, जिसको बोलते हैं 2 तुड़ियां ले ली हमने, तो वो ली है 2 मैंने लेके, तो उसको कुचल लिया इस तरह से। ठीक है, पेस्ट नहीं बनाया इसका, इस तरह मोटा मोटा कुचल लिया मैंने इसको, कुचला इसलिए कुछ लोग इसमें साबत डाल देते हैं छील के लहसुन, उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, ये कुचले हुए का ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो 2 हैं मैंने ली हुई, तो ये मैंने इसको जो इसमें डाल दिया, तकरीबन 3 स्पून बन रहा है ये। ठीक है, 3 स्पून लहसुन बन रहा है कुचला हुआ, थोड़ा मोटा मोटा इसमें डाल दिया डाल के। तो अब हम इसमें नमक मिर्च ऐड करेंगे, और पानी ऐड करूंगी मैं इसमें, जितनी दाल है उस हिसाब से मैं पानी ऐड करूंगी। और ये देखें नमक मिर्च में मैं क्या डाल रही हूँ, इसमें नमक है 1/2 स्पून, हल्दी है 1/2 स्पून, और दातर मिर्च और रेड मिर्च है 1/2 स्पून। ठीक है, सब मतलब जो दातर मिर्च है वो 1/2 स्पून है, और जो पिसी हुई लाल मिर्च है वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो भी 1/2 स्पून है, और ये जो अजवाइन है थोड़ी सी ये मैंने ली, तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप कर दी मैंने इसमें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जी व्यूज़, ये देखें मैंने इसमें पानी ऐड किया है, ये मेरा 1/2 kg का बाउल है, मग्गा इसको बोल रहे हैं, 1/2 kg का कप है, तो इसके साथ मैं मेजरमेंट करके पानी डाल रही हूँ। 1/2 kg मेरी दाल थी, तो इसमें मैं 1.5 किलो पानी डालूंगी। ठीक है, 1 kg मैं डाल चुकी हूँ, 2 मग्गे मैं डाल चुकी हूँ, 1 मग मैं और इसमें डालूंगी, तो ये बन जाएगा हमारा 1.5 किलो पानी। ठीक है, इसमें आप 1.5 किलो पानी डालेंगे। जी व्यूज़, ये देखें 1.5 किलो पानी मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ, पूरा 1.5 किलो पानी मैंने माप के डाला है इसमें, आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं। कुछ लोग दाल पतली खाते हैं, कुछ लोग थोड़ी ठीक सी गाढ़ी सी खाते हैं, तो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। आप देख तेज की लीजिएगा, उसमें 1/2 kg दाल या जितनी आपकी दाल होगी उस क्वांटिटी से आप पानी ऐड करके, नमक मिर्च मसाले ऐड करके, तो आप इसको बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगी, बस हम इसको प्रेशर देंगे। ये मैंने इसको उसके पे कैप लगाऊंगी सिर्फ 10 मिनट के लिए। ठीक है, 10 मिनट के लिए लगा के तो मैं इसको ऊपर रख रही हूँ। जी व्यूज़, ये देखें 10 मिनट के लिए मैंने ये प्रेशर को बंद करना है सिर्फ। ये मैंने दाल डाल के इसके अंदर पानी ऐड करके 1.5 kg 1/2 किलो दाल में, तो ये मैंने ऊपर सीटी लगा दी, और 10 मिनट वो काउंट होंगे जब इसकी सीटी बोलना स्टार्ट होगी, जब वो शू शू करके बोलेगी, विसल्स देगी, आवाज़ देगी, उसके बाद ये स्टार्ट होगा इसका टाइमर, इससे पहले स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, जब आवाज़ देना शुरू करेगी फिर हम 10 मिनट का टाइम काउंट करेंगे, 10 मिनट के बाद मैं आके इसको खोलूंगी, और फिर मैं आपको इसका बाकी का फाइनल दिखाती हूँ, फिर इसमें हम तड़का लगाएंगे और हमारी दाल रेडी हो जाएगी। 10 मिनट का काम है हमारा बस। ठीक है जी व्यूज़, ये देखें 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, प्रेशर मैंने खोल लिया इसकी भाप निकाल के, और ये पूरे 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, और ये देखें दाल की लुक भी, देखें दाल गल चुकी है हमारी, ये देखें, और थोड़ी सी पतली है क्योंकि हम लोग पतली दाल पसंद करते हैं बच्चे मेरे। तो पूरे 10 मिनट के बाद मैंने इस चूल्हे को खोला, अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। ठीक है, इसको ऊपर ही रहने देंगे इस तरह, और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमें 1/2 कप ऑयल चाहिए, ऑयल घी देसी घी कुछ भी आप ले सकते हैं, मैं देसी घी नहीं यूज़ करती क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, उनको स्मेल मतलब उनकी अच्छी नहीं लगती देसी घी की ज़्यादा, तो वो नहीं खाते। तो इसके लिए मैंने 1/2 कप घी ले लिया, और फिर मैंने ले लिया उसमें 1/2 स्पून मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ घी में, ये ज़ीरा। ठीक है, 1/2 स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, ब्लैक ज़ीरा ले ले, वाइट ले ले, आपकी मर्ज़ी है कोई सा भी ले ले जी। और इसके बाद ये देखिए प्याज है 1 अदद बड़ी वाली, मतलब नॉर्मल साइज़ है, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा है। 1 टमाटो है, छोटे छोटे ब्रिक ब्रिक मैंने पीस कर लिए हैं, और इसमें से बीज मैंने निकाली हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपने डालना तो ठीक है, नहीं डालना तो ना डालिए, आपकी मर्ज़ी है, तड़के में जाएंगी ये सारी चीज़ें।
हरी मिर्चियाँ 4-5, तो मैंने इनको कुचल लिया जैसे मैंने लहसुन को स्टार्टिंग में कुचला था वैसे ही मोटा मोटा इनको कुचल लिया, इसका पेस्ट नहीं बनाया मैंने। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें अनियन डालेंगे। ठीक हो गया, ज़ीरा डालने के बाद इसमें अनियन डालेंगे। 1/2 कप ऑयल है, ठीक है, तड़के के लिए। ये देखिए, ठीक है, अनियन डाल दिया इसमें। अनियन जब थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन होगा, कुछ लोग ज़्यादा ब्राउन खाते हैं, कुछ लाइट सा करते हैं, फिर हम इसमें टमाटो और हरी मिर्चें और जो डालना अपना ऐड करेंगे इसमें। और ये लहसुन है, 3-4 जवे हैं इसके, छोटे छोटे बारीक बारीक जवे थे। अगर आप के पास मोटे जवे हैं तो 2-3 डाल लें, तो मेरे पास छोटे छोटे बारीक थे तो मैंने 2-3 जवे ले लिए इसके। ठीक है, ये देख लें, छोटे छोटे 3-4 जवे डाल लिए इसमें। और ये डाल के हम थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे लाइट सा। और ये जो हमारी दाल है इसमें हम 1/2 स्पून डालेंगे पिसा हुआ धनिया। ये देखें, पिसा हुआ धनिया है ये, इसको 1/2 स्पून इसमें ऐड कर दिया और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसमें बाकी कोई मसाला नहीं गया, वही नमक मिर्च और हल्दी जो मैंने स्टार्टिंग में डाली थी और अभी मैंने पिसा हुआ धनिया डाला। ठीक है, और अब मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़का तैयार करने के बाद आपको बताती हूँ। इसमें मैंने सिर्फ लहसुन और प्याज डाला और थोड़ा सा मैंने जीरा डाला। ठीक है, 1/2 कप ऑयल में थोड़ा सा रेड होता है, फिर इसमें मैं जो है ब्राउनिश के बाद ये टमाटो वगैरह ऐड करती हूँ। जी व्यूज, ये देखें, प्याज हमारा लाइट सा ब्राउन हो चुका है तड़के का, लहसुन भी इसमें डाला था। अब हम इसमें अपने टमाटो और जो हरी मिर्चें हैं, ये दोनों चीज़ें, एक टमाटो था, 4-5 हरी मिर्चें थी, ये ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर दोनों चीज़ें सारी की सारी। ठीक है, ये ऐड करेंगे। कुछ लोग प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं, अब आपकी मर्जी है, जला लेते हैं जैसे कि तड़का जिसको कहते हैं, कुछ औरतें जला लेती हैं, कुछ नहीं, मैं हम लोग ऐसे ही रखते हैं, जलाते नहीं है ज़्यादा उसको, जिसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जले हुए का, फिर जले हुए की स्मेल आती है। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, इस तरह ठीक हो गया। इसी में मैं धनिया ऐड कर दूँगी, ये कटा हुआ धनिया, इसी में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, बाकी हम लास्ट पे डालेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तड़का हमारा तकरीबन रेडी है, देखिए देखिए कितनी प्यारी लुक आई है तड़के की। जी व्यूज, ये देखिए तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं अपनी दाल में तड़का ऐड कर रही हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट तमाम आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। ठीक है, ये देखिए दाल हमारी और ये इसमें तड़का जाएगा जो मैंने बनाया अभी आपके सामने, ये चला गया। ठीक है, इस तरह लगा के तो उसी टाइम हम इस पर ढक्कन दे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इस तरह ज़ोर से ढक्कन दे देंगे, ढक्कन इसलिए लगाएंगे 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे क्योंकि जो इसमें टमाटो का अनियन का सारे फ्लेवर्स हैं वो इसमें चले जाएं दाल में। ठीक है, ढक्कन लगा के रखेंगे 10 मिनट के बाद, हल्की आँच तक आप इसका ढक्कन लगा के रखें। 10 मिनट के बाद मैं खोल के इसको फाइनल लुक आपको चेक करवाती हूँ। इसमें आप धनिया वगैरह अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं और नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी व्यूज़, ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसमें तड़का डाल के 10 मिनट के लिए इसको बंद किया था। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, तो अब आप मैं इसको दिखाती हूँ चावल पे डाल के इसे। ठीक है, ये मैंने वाइट चावल बनाया है, इसके साथ हम लोग दाल देंगे इस तरह से। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगी झटपट 10 मिनट में बनने वाली दाल है। पहले किन को दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और पतली सी दाल है, हम पतली दाल ही यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये देखें साथ में सैलड मैंने थोड़ा सा रखा है, दाल है, चावल है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।